भारतवर्ष और भारतवर्ष की हिस्ट्री, आखिरकार क्यों हमसे हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास को छुपा के रखा गया? हिस्ट्री के सारे इंपॉर्टेंट अध्यायों को खत्म कर दिया गया। आखिरकार क्यों हमें बचपन में इमरजेंसी जैसी बड़ी घटना के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ाया गया? लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि क्वीन कंगना रनौत आ रही है लेकर एक ऐसी फिल्म जो कि हमें हिस्ट्री का पार्ट तो पढ़ाएगी पढ़ाएगी, साथ ही साथ हमारी आंखें भी खोल देगी कि आखिरकार क्यों इंदिरा गांधी, द आयरन लेडी जिन्हें कहते थे, उन्होंने क्यों लगाई थी 1975 में इमरजेंसी। नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। आ गया है यारों का यार होस्ट राहुल भोज, बताएगा आपको कि आखिरकार ये जो हमें टीजर दिया गया है ये वाकई में टीज करता है या फिर ऐवे ही है। दोस्तों आपको सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं तो इस फिल्म की राइटर कंगना है, डायरेक्टर कंगना है और साथ ही साथ डायलॉग में भी इनपुट कंगना ने दिए हैं। और अगर आप इस टीजर को मणिकर्णिका फिल्म्स में देखते हैं, जो कि यूट्यूब चैनल है ऑफिशियल कंगना रनौत का, तो वहां पर इस फिल्म के इस टीजर के आखिरी में एक डायलॉग है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। ये बात बोलते हुए नजर आती है कंगना रनौत एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको गूज़बम्प्स आने लग जाते हैं और आप कहने लग जाते हैं कि वाह यार, ये लड़की में जो बात है वो बॉलीवुड की किसी भी एक्ट्रेस में नहीं है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस तो छोड़ दीजिए, पूरे हिंदुस्तान की अगर बात करें तो ये लड़की में कुछ तो बात है। कंगना रनौत ने अपनी एक्टिंग का लोहा वैसे तो कई फिल्मों में मनवा ही लिया है, चाहे वो क्वीन हो, तनु वेचमनु रिटर्न्स हो, फैशन हो या फिर थलाई भी हो, कंगना रनौत ने हर एक चैप्टर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाया है। और अब वो प्रोड्यूसर भी बनी है और डायरेक्टर भी बनी है और एक्टर भी बनी है। इस फिल्म में इमरजेंसी को एकदम प्रॉपर इवेंट के तौर पे दिखाया जाएगा कि आखिरकार क्यों, आखिरकार ऐसा क्या टफ डिसीजन लेना पड़ा इंदिरा गांधी को कि 1975 में उन्होंने लेखकों की कलम पर रोक लगा दी थी, जो टीवी पे लोग बोलते थे उन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया था, या फिर जो नेता लोग विपक्षी लोग खड़े हो गए थे उनकी आवाज को बंद कर दिया था। मुझे तो आज का सिनेरियो अगर देखा जाए याद आता है, नरेंद्र मोदी जी के लिए अभी कितनी बड़ी सभा हो रही है यहाँ पे, पता ही होगा आपको, पटना में, जहाँ पे सारी निर्दलीय पार्टी मिलकर जो है एक हो गई है ताकि 2024 के इलेक्शन को जो है वो उन्हें हरा सके। सोचिए अगर नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि ये पूरब का हिटलर है, अगर वो वाकई हिटलर होते हैं तो अभी यहाँ पर इमरजेंसी लगाकर ये तानाशाही करके इन पार्टियों को कहीं ना कहीं रोक लगा देते, लगाते कि नहीं, जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो ऐसे में यहाँ पर दोस्तों अब इंदिरा गांधी जी एक डिक्टेटर थी या फिर वाकई में देश सेवा के लिए उनकी सारी चीजें थी, ये देखना तो इंटरेस्टिंग होगा। और साथ ही साथ कंगना ने किस तरीके से पोर्ट्रे किया है, आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस। वैसे इस टीजर की एक और खास बात है, वो है इस टीजर का बैकग्राउंड स्कोर, जिसे जीवी प्रकाश जी ने दिया है एंड आई एम श्योर वो आपको गूज़बम्प्स तो क्रिएट कराएगा ही कराएगा। तो क्या ये प्रोपोगंडा फिल्म होने वाली है या फिर हमारे जो इतिहास के पन्ने हैं जो हम तक पहुंचाए नहीं गए हैं उनको फिर से रिवाइव करेगी, देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस अमेजिंग फिल्म जो कि नवंबर में आ रही है, 24 नवंबर को। सो गाइस तैयार हो जाइए एक अमेजिंग परफॉर्मेंस के लिए और हिस्ट्री के कुछ पन्ने टटोलने के लिए जिन्हें हमारी सरकारों ने बैन कर दिया था। चलता हूं, रिव्यू पसंद आए तो डिस्क्रिप्शन में नया दूसरे चैनल का लिंक है, वहां पर भी जाकर उस चैनल का भी लाभ उठाइए, कॉमेडी कॉन्टेंट है, यू विल डेफिनेटली गोना लव इट।